which we need to really understand in this fourth chapter. It is about linear momentum. Life is going very nicely without linear momentum also. What is the need for linear momentum then? यही चीज के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम जैसी कोई भी क्वांटिटी की क्या जरूरत है फिजिक्स में, ठीक है, इसी के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। और जो इस चैप्टर में मेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, सभी स्कूल एग्जाम्स में आता है, आपके एनुअल एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि 5 मार्क के क्वेश्चन बहुत कम है। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है, दैट 5 मार्क क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। आई विल जस्ट टेल यू टूडे और टुमोरो व्हाट इज दैट 5 मार्क क्वेश्चन। अंडरस्टूड? डिफाइन करना बहुत आसान है। अगर आपके पास एक बॉडी है मास m की एंड इट हैज अ वेलोसिटी लेट्स से v, then the linear momentum of this body or object is mass multiplied by its velocity. जैसे अगर suppose इसकी velocity 5 meters per second है और इसका mass 17 kilograms है, are these both SI units or not? तो जो linear momentum आ जाएगा, mass multiplied by the velocity, that will be 17 into 5 is 85 kilograms into meters upon s. तो जो हमने आज टेस्ट में आपको कई बार दिया था, SI units, these are the SI units, these kilograms into meters divided by s. Sometimes we write like this, kilograms into meters s to the power minus 1. These are the SI units of linear momentum. SI units of linear momentum. Why we need these units of linear momentum? वो पता चल जाएगा आपको क्या इंपॉर्टेंस है इसकी. So let us look at the most important equation which we have seen in this chapter. This is the most important equation which we have seen in this chapter. इस equation को ज्यादा better तरीके से कैसे लिखते हैं वो भी हमने देखा है, ठीक है। तो अभी for the time being आप कुछ imagine करो कि आपके पास एक object है और इस object की velocity है u. Now if no force acts on this object, if no force acts on this object, then the object keeps on moving with the same velocity. If no force acts on the object, then the object keeps on moving with the same velocity. अगर object के ऊपर कोई भी force नहीं लग रही है तो वो uniform motion करेगा. The object will do uniform motion. It keeps on moving with the same velocity. What about its momentum? If it keeps on moving with the same velocity, will its momentum change? Does its momentum change? So its momentum also does not change. Without a force, without any force, momentum also does not change. Without force, मोमेंटम डज नॉट चेंज. तो क्या मोमेंटम को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए? इज फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम? इज फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द मोमेंटम? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसी के बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं. तो सपोज ये जो आपके पास एक बॉडी है एम मास की और जिसकी वेलोसिटी यू है, अब मान लो आप इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करना शुरू कर देते हैं. इसके पहले नहीं एक्ट कर रही थी, इसके पहले बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी. जब ये बॉडी इधर पहुंची
तब इसके ऊपर फोर्स एक्ट करना शुरू करती है। व्हेन द बॉडी रीचेस हेयर एट दिस प्लेस अ फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स एफ स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अंडरस्टूड? कैन वी से एक्सेलेरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी और नॉट बिकॉज ऑफ द फोर्स? फोर्स की वजह से बॉडी में एक्सेलेरेशन आएगी? एक्सेलेरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। जब तक फोर्स जीरो था तो एक्सेलेरेशन भी जीरो था। तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज करता हूं, ध्यान से देखना, थोड़ी देर के बाद सपोज यहां पे टाइम है जीरो और यहां पर टाइम बन गया सपोज टी, एंड दिस फोर्स वॉज एक्टिंग ऑन द बॉडी। द फोर्स इज सेम, द फोर्स इज सेम। सो जीरो से टी टाइम तक फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉन्स्टेंट, जीरो से टी टाइम तक। ठीक ना बेटा? अगर मैं आपको कहूं कि इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है उसका टाइम के साथ ग्राफ बनाओ, इस फोर्स का टाइम के साथ, अगर कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है जीरो से टी टाइम तक, तो ग्राफ कैसा आएगा फोर्स का? ऐसा आएगा। क्या बोलते हैं इस ग्राफ को? दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फ्रॉम जीरो टू टी टाइम इज कॉन्स्टेंट, तो फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ तो ऐसा ही आएगा। फोर्स अप डाउन नहीं हो रही है, बस कॉन्स्टेंट फोर्स है। फोर्स इज कॉन्स्टेंट, वेरी इजी। नाउ इफ आई आस्क यू वट विल बी वेलोसिटी एट दिस पोजिशन, जब बॉडी यहां पर आ गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो ये बहुत आसान है, बिकॉज वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। नहीं, पहले वेलोसिटी थी यू, एक्सीलरेशन कितनी आई बॉडी में? एक्सीलरेशन आई बॉडी में एफ अपॉन एम, इतनी। तो ये बॉडी की वेलोसिटी बन जाएगी। अंडरस्टूड? वेरी इजी। अब आप इसको ध्यान से देखना, ठीक ना? एक बार ध्यान से देखना, दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड व्हेनेवर एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, एंड व्हेनेवर, व्हेन इज एक्सेलेरेशन कांस्टेंट? व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। तो फोर्स तो इसमें कांस्टेंट है, फोर्स इज डेफिनेटली कांस्टेंट। सो अगर मैं ये वाली इक्वेशन को, जिसको हम न्यूटन सेकेंड लॉ बोलते हैं, इसको एक दूसरे ढंग से लिख सकता हूं, इस केस में, इस एग्जांपल में, इस इक्वेशन को मैं दूसरे ढंग से लिख सकता हूं। यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी? ये उस तरफ चला जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है? अब ये ए की वैल्यू अगर मैं यहां पे रखता हूं तो ये बन जाएगी। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो, m को मैं मल्टीप्लाई करता हूं एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। वट डज दैट मीन? वट इज एम वी? एम वी इज, यस, एम वी इज द फाइनल मोमेंटम। फाइनल यहां पर दिस इज द फाइनल मोमेंटम, एंड एम यू इज द इनिशियल मोमेंटम। What is the final time? T. What is the initial time? Zero. So easier. T can be written as T minus zero. So that means force is equal to change in momentum upon change in time. Force acting on the body is equal to change in momentum. This is very, very important. Okay. आपको मैं बताऊंगा बाद में क्यों, लेकिन अभी आप मेरी बात मान लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन
से भी ऊपर एक इक्वेशन है, इससे भी एक लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंस की, वो ये वाली इक्वेशन, ये वाली। अब आप पूछोगे क्यों, वाई, उसका रीजन आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको जो अभी बताया उसको समराइज कर रहा हूँ, मैंने आपको अभी ये बताया है, इसको सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अभी क्या बताया बेटा मैंने आपको, मैंने आपको कहा है कि वी कैन री राइट न्यूटन्स सेकेंड लॉ, वी कैन री राइट न्यूटन सेकेंड लॉ इन अनदर फॉर्म, ठीक है। वी कैन रीराइट न्यूटन सेकेंड लॉ इन अनदर फॉर्म, वी आई सेड विच इज, ये लैटिन फ्रेज होती है, विच इज एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ये न्यूटन सेकेंड लॉ की अनदर फॉर्म है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म ठीक है, क्योंकि ये वाली फॉर्म तभी यूज हो सकती है जब मूविंग बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मास जब कांस्टेंट रहता है तब ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वहां पे नहीं यूज हो सकती जब बॉडी का मास चेंज हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने वो वाला रिक्शा देखा है, छोटा सा रिक्शा होता है जिसके पीछे रेत बजरी और ऐसा कंस्ट्रक्शन का मटेरियल रख के लोग लेके आते हैं, रेत से भरा होता है, छोटा सा रिक्शा होता है ना, आगे इसको चलाता रहता है रिक्शा वाला बैठ के, ठीक है। इट इज लाइक पेडल ड्रिवन ओनली, इट इज नॉट मोटर ड्रिवन, देखा ये वाला रिक्शा आपने। अब आप इमेजिन करो कि इसमें पीछे एक सीमेंट का बैग रखा हुआ है, सीमेंट की बोरी रखी हुई है, और आपने उसमें स्क्रू ड्राइवर से होल कर दिया, स्क्रू ड्राइवर से होल कर दिया। अब रिक्शा तो आगे चल रही है लेकिन इससे सीमेंट नीचे निकल के गिर रहा है, तो कैन वी से दैट द मास ऑफ द सीमेंट बैग इज कांस्टेंट, बिकॉज सीमेंट और सैंड इज फॉलिंग फ्रॉम इट, तो इट्स मास चेंजेस एज द रिक्शा मूव्स। तो इन दिस सिचुएशन, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, यू डोंट हैव टू स्टडी दिस सिचुएशन इन क्लास नाइन्थ, इन दिस बट दिस इज गिवन इन नाइन्थ एनसीईआरटी, दिस इज ऑल्सो गिवन इन नाइन्थ एनसीईआरटी, बट दे हैव नॉट गिवन द रीजन कि इसकी क्या जरूरत है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, नॉट गिवन यू दैट। सो दिस इक्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड हेयर, बट दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड हेयर, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कभी ना कभी, पर अभी क्योंकि सिलेबस में नहीं है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वी कैन रीराइट न्यूटन सेकेंड लॉ इन अनदर फॉर्म, विच फॉर्म, दिस फॉर्म, वी कैन रीराइट, ऐसे भी बोल सकते हैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को रीफ्रेज, रीफ्रेज मींस इन अनदर लैंग्वेज, आई एम टेलिंग यू द सेम क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू इन अनदर लैंग्वेज, वी आर रीफ्रेजिंग द क्वेश्चन, प्रूव दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, हाँ बेटा कौन पूरा करेगा इसको, prove that the force acting on a body is equal to, yes, who is going to fill the blanks here further, क्या आएगा आगे, prove that, एक ही चीज है दोनों का उद्देश्य है कि आंसर एक ही जैसा है, prove that the force acting on a body is equal to, चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, देखना बेटा सबसे पहले मोशन के चैप्टर में हमने पढ़ा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, राइट, हमने लिखा एवरेज वेलोसिटी इज दिस, नहीं हमने क्या पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी,
फिर हमने पढ़ा कि अगर मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मींस द ऑब्जेक्ट हैज एक्सेलरेशन. हाउ डू वी डिफाइन एक्सेलरेशन? वी डिफाइंड एक्सेलरेशन एज इन दिस वे. सो इफ यू वॉन्ट टू स्पीक आउट दिस इक्वेशन, यदि हमें शब्दों में से व्यक्त करना है, वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन वर्ड्स, व्हाट विल वी से? वी विल से एवरेज वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट. यस, दैट इज राइट नित्या. Write it so that everyone can see it. Average velocity is the rate of change of position coordinate with respect to time. Average velocity, इसको देख के हम क्या बोलते हैं? Average velocity is the rate of change of position coordinate with respect to time. समझ में आपको? इससे क्या लिख सकते हैं? Average acceleration is rate of change of velocity with respect to time. Understood. थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करो तो आपको कुछ अच्छी चीज पता चलेगी. देखना बेटा, हाँ ये सही तरीका है. एब्सोल्युटली यस. दिवेश इज ऑल्सो रिटन, एवरेज वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मुझे पता है आप रेट ऑफ चेंज भूल चुके हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ. जैसे बेटा मान लो, कुछ भी एग्जांपल ले लो. सपोज आप लॉकडाउन में खूब सारे बिस्किट्स ले आए, एक जैसे पैकेट्स बिस्किट के या चॉकलेट्स, कुछ भी मान लो, फ्रूट्स मान लो मैंगोज के आप पूरा का पूरा पेटी ले आए, 100 kg मैंगोज कितने भी ऐसे. सपोज आप बिस्किट्स ले आए, एंड सपोज यू आर ईटिंग बिस्किट्स एट द रेट ऑफ 3 packets per day. The whole family is using biscuits at the rate of 3 packets per day. So this is a rate. 3 packets per day is a rate. If I ask you that if at this rate you are using biscuits, in 7 days how many packets you will use? In 7 days how many packets you will use? You will use total of 21 पैकेट्स. तो इजी है. तो हमें रेट से पता चला ना कि रेट क्या था. वैसे वेलोसिटी इज अ रेट. वेलोसिटी इज द रेट एट विच एक्स इज चेंजिंग. किसी भी बॉडी की वेलोसिटी, ये एक बॉडी है, अगर इसकी वेलोसिटी 2 meters per second है, व्हाट डज दैट मीन? इट मींस कि उसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स है वो एवरी सेकंड में, हर सेकंड में 2 meter से चेंज हो रहा है उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट. सो वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज उसके एक्स की वैल्यू, बॉडी की. जब बॉडी एक्स एक्सिस पर है, मान लो ये एक्स एक्सिस है ब्लू वाली, अब मान लो बॉडी यहां पर है, अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा. एक्स कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग. But suppose I tell you its velocity is 5 meters per second. That means 1 second में कितने amount से change हो जाएगा ये x coordinate? 1 second में 1, 2, 3, 4, 5 से change हो जाएगा. अगर ये 17 पे था तो ये 22 पे पहुंच जाएगा 1 second में, नहीं? और फिर अगले second में 22 से 27 पे पहुंच जाएगा. So velocity of the body is a property of the body, just like temperature is a property of the body. Which tells you how x is changing with respect to time. Velocity body का वो गुण है जो आपको बताता है कि उसकी जो x की value है वो time के साथ कैसे change हो रही है. Understood? अब एक चीज ध्यान से देखना, थोड़ा सा concentrate करना है आपको. इसी chapter में हमने कुछ और भी पढ़ा था. क्या पढ़ा था? देखो, हमने पढ़ा था कि अगर x और t का जो graph है, अगर वो graph स्ट्रेट लाइन आ जाए तो व्हाट डज दैट मीन?
दैट मीन्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट, याद है आपको, क्योंकि फिर ये तो स्लोप है इसका और एवरेज वेलोसिटी सेम आएगी। एवरेज वेलोसिटी अगर एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, अगर एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, अगर एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो तो कांस्टेंट आएगी, उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट आएगी। अगर एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। ठीक है, अगर उसका एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, राइट? याद है ना, ये तो यूनिफॉर्म मोशन में ही एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। तो अब आप इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पहले सेकंड में वो 5 मीटर से चेंज कर रही है और अगले सेकंड में वो 10 से चेंज कर रही है ना। वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, द रेट ऑफ चेंज इज कॉन्स्टेंट, एवरी सेकेंड इट इज चेंजिंग बाई 5। अब उसी तरीके से आप मान लो, इसको देखो आप, हमने क्या लिखा, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर मैं बॉडी का मोमेंटम और टाइम का ग्राफ बनाऊं, हमने क्या लिखा, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अगर बॉडी का मोमेंटम और टाइम का ग्राफ ऐसा है, कैन बी से मोमेंटम इज चेंजिंग? मोमेंटम तो कांस्टेंट है, इसका मतलब उस पर कितनी फोर्स लग रही है, जीरो। कितनी फोर्स लग रही है उस पर, जीरो। अब जैसे वेलोसिटी एक रेट ऑफ चेंज है, वैसे फोर्स भी एक रेट ऑफ चेंज है। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, फोर्स तो बॉडी पे लग रही है, पर ऐसा नहीं है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने लीनियर मोमेंटम को बनाया ही इसलिए है ताकि बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, ताकि बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में बेटा? तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द रेट ऑफ, अगर उसका मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका उस पे जीरो फोर्स एक्ट कर रही है। लेकिन अब मान लो उसका मोमेंटम चेंज कर रहा है, उसका मोमेंटम चेंज कर रहा है, तो चेंज क्यों करता है मोमेंटम? मोमेंटम सिर्फ फोर्स की वजह से चेंज करता है। अगर मोमेंटम और टाइम का ग्राफ ऐसा आ गया, देखो ग्राफ तो कैसा भी आ सकता है मोमेंटम और टाइम का, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, मोमेंटम और टाइम का ग्राफ ऐसा भी आ सकता था, ऐसा भी आ सकता था, कैसा भी आ सकता है, ठीक है। अगर मोमेंटम और टाइम का ग्राफ ऐसा आ रहा है, अगर मोमेंटम और टाइम का ग्राफ ऐसा आ रहा है, ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? Does it mean anything about the force? X और T का ग्राफ ऐसा आने का मतलब निकला था कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और मोमेंटम और टाइम का ग्राफ ऐसा आने का मतलब क्या निकलेगा, कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कांस्टेंट हो जाएगी, फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक बार आप ध्यान से, फोर्स को हम ऐसे लिखते हैं ना, 2 न्यूटन्स, न्यूटन ऐसा यूनिट होती है, लेकिन न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है किलोग्राम इंटू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, 2 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड, पर सेकेंड।
कैन एनीवन टेल मी कि इसके न्यूमरेटर में जो आया है ये इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है? कैन एनीवन टेल मी इसका क्या मीनिंग है? ये बेटा चेंज इन मोमेंटम है। अब फोर्स क्या है? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। फोर्स क्या है? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अगर फोर्स 2 न्यूटन है, इसका मतलब ये फोर्स बॉडी के मोमेंटम को 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से हर सेकेंड में चेंज कर रही है। मान लो बॉडी में यहां पे मोमेंटम था 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यहां पे बॉडी में इतना मोमेंटम था, ठीक है, बॉडी में इतना मोमेंटम था, पहले से था, बॉडी मूव कर रही थी m टाइम्स v, इतना मोमेंटम था। अब उसके ऊपर 2 न्यूटन की फोर्स एक्ट करना शुरू कर देती है। बिना फोर्स के तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ये देखो फोर्स 0, मोमेंटम कांस्टेंट। लेकिन अगर ये फोर्स एक्ट करे तो ये इसके मोमेंटम को चेंज करेगी कि नहीं? ज्यादा फोर्स का मतलब क्या है? इफ फोर्स इज मोर, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, देन मोमेंटम डज नॉट चेंज। देखो चाहे कितना भी आगे चले जाओ मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इफ फोर्स एक्टिंग इज मोर, अगर ज्यादा फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही है, उसका मतलब क्या है? उसका मोमेंटम जल्दी जल्दी चेंज होगा, देखना, क्योंकि 2 न्यूटन का मतलब है कि एक सेकेंड में एवरी सेकेंड इतने अमाउंट से चेंज कर रहा है मोमेंटम। तो एक सेकेंड के बाद इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? एक सेकेंड के बाद जब ये बॉडी आगे चली जाएगी, फोर्स उस पर लगातार लग रही है कॉन्स्टेंट, मैंने बताया कॉन्स्टेंट फोर्स है, अगर यही फोर्स इस पे लग रही है तो यहां इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? इन 1 सेकेंड द मोमेंटम चेंजेस बाय दिस अमाउंट, तो मोमेंटम बढ़ के 200 में ये ऐड हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 202 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड? सो फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अंडरस्टूड? द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो इस बात को हम कई तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका यह है कि मान लो ये आपके पास एक बॉडी है और इसके अंदर कुछ मोमेंटम है अभी, अगर इसके ऊपर 0 फोर्स लग रही है तो ये पक्का है कि इसका मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, इट्स मोमेंटम विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। दूसरी बात, अगर इस बॉडी का मोमेंटम आप देखते हो कि 1 सेकेंड में इस बॉडी का मोमेंटम डबल हो गया और इसी के साथ एक और बॉडी भी थी बिल्कुल सामने, उसका भी सेम मोमेंटम था, लेकिन इस सेकेंड बॉडी का मोमेंटम 1 सेकेंड के बाद ट्रिपल हो गया, तो व्हाट कैन वी से, क्या दोनों पे सेम फोर्स लग रही है? क्या दोनों पे सेम फोर्स लग रही है? इसका तो 1 सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम कितना आया? इतना, दिस माइनस दिस, और इसका चेंज इन मोमेंटम आया इतना, तो यानी कि इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लग रही है ना, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज मोर। अंडरस्टूड? तो अगर आपको स्कूल में क्वेश्चन आता है बहुत बार, प्रूव दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, prove that a force acting on a body is equal to the rate of change of its linear momentum with respect to time. Prove that
द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, प्रूव दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ आप लिख लो चाहे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए, तो आप एक बॉडी बना दो m मास की, और इसकी वेलोसिटी आप दिखा दो u, और थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज क्यों हो गई? क्योंकि आप इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, फिर आप लिखो सपोज, नोट्स में भी दिया होगा, सपोज अ कॉन्स्टेंट फोर्स F acts on the body. Okay. For a time t. तो यहां क्या टाइम हो गया? जीरो टाइम। और यहां क्या टाइम हो गया? t. अब कॉन्स्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? कि यहां पे भी उतनी फोर्स है, यहां पे भी उतनी फोर्स है, और जब ये बॉडी कहीं बीच में है तब भी उतनी फोर्स है। सपोज अ कॉन्स्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, देयरफॉर एक्सेलेरेशन कितनी आएगी बॉडी की? एक्सेलेरेशन, तो आप लिखो कि हमें मालूम है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन वन, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन टू। नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू if you put in 1, okay, from equation 2 if you put in 1, m times v minus u upon t, a kitna ban jayega? v minus u upon t, clear hai? So what is this now? mv minus mu upon t minus 0 likh denge isko. अब ये क्या बन जाएगा? ये तो फाइनल मोमेंटम है, और ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम है ना। डायग्राम में भी दिखा दो, यहां पे इनिशियल मोमेंटम है बॉडी में, यहां पे फाइनल मोमेंटम, पर आपने सीधा लिखना है टी माइनस जीरो को, तो हम डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो ऊपर आ गया आपके पास डेल्टा टी, नीचे आ गया ऊपर डेल्टा पी, नीचे डेल्टा टी, देयरफॉर therefore force acting on the body is equal to the rate of change of linear momentum of the body with respect to time. बिल्कुल सिंपल, समझ में? प्लीज रिमेंबर दिस इज ऑल्सो न्यूटन सेकेंड लॉ एंड This is also Newton's second law. चाहे आप इसको किसी भी तरीके से लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, इसका भी वही मीनिंग है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो, इसका भी वही मीनिंग है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो, इसका भी वही मीनिंग है, तीनों मीनिंग, ऑल थ्री, दिस एंड दिस आर सेम। व्हाट इज द डिफरेंस? दिस कैन ऑलवेज बी यूज्ड, this cannot be used in some situations, this can be used only when mass of the body which is moving remains constant. But what happens when mass changes? When mass changes, we will not be able to use this equation for finding force. But even when mass changes, we can use this equation for finding force. Even when mass changes, isko hum tab bhi use karte hain.
आ जाएगा बेटा समझ में, बिल्कुल ही इजी है। तो थोड़ा सा जस्ट 5 मिनट्स और कराता हूँ, उसके बाद फिर आपको छुट्टी दे देंगे। देखो क्योंकि आप लोगों ने लेट शुरू किया सर, 5 मिनट्स 7 मिनट्स यहाँ से देखेंगे। अ फोर्स, ये न्यूमेरिकल करेंगे सब लोग, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स, इसको कांस्टेंट कर दो, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। अब आप एक बार ध्यान से देखना, ये नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स विच यू आर ईटिंग पर डे है, समझ में आया किस तरीके से? क्योंकि ये फोर्स इज अ रेट ऑफ चेंज, फोर्स इज अ रेट ऑफ चेंज, जस्ट लाइक यू आर ईटिंग 10 3 बिस्किट पैकेट्स पर डे, 3 पैकेट्स पर डे इज अ रेट ऑफ चेंज। इन द सेम वे दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ चेंज। दिस मीन्स मोमेंटम इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ दिस मच पर सेकेंड, मोमेंटम हर सेकेंड में बॉडी का इतने अमाउंट से चेंज कर रहा है। अ कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, डिटर्मिन द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन 5 सेकेंड्स। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन, अ कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, डिटरमिन द चेंज। यदि एक बॉडी के ऊपर कॉन्स्टेंट फोर्स लगती है 5 सेकेंड तक, तो वो उस बॉडी के मोमेंटम को कितना चेंज कर देगी? अगर फोर्स 0 है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसमें तो फोर्स लग रही है तो मोमेंटम चेंज करेगा, तो 5 सेकंड में कितना चेंज हो जाएगा मोमेंटम 5 सेकंड में? एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, अंडरस्टूड? ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। नाउ फोर्स इज कांस्टेंट 10 न्यूटन्स, एंड फॉर हाउ मच टाइम इट एक्ट्स? अगर आपने 3 पैकेट्स पर डे खाए बिस्किट्स के, तो कितने पैकेट्स कंज्यूम कर लिए? तो नंबर ऑफ डेज तो बताने पड़ेंगे ना, 3 डेज में कितने कंज्यूम किए? 9 पैकेट्स। तो ये नंबर ऑफ डेज की तरह से नंबर ऑफ सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स में अगर ये फोर्स 5 सेकेंड्स तक लगातार लगती रहती है, तो 10 × 5 = 50 n.s, n इंटू एस ये मोमेंटम ही होता है, n इंटू एस इट इज द सेम थिंग, ठीक है? एज एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, न्यूटन इंटू सेकेंड इज ऑल्सो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम चेंजेस बाय, डज द मोमेंटम इंक्रीज और डिक्रीज? इस केस में तो वो इंक्रीज कर रहा है, +50 आंसर आएगा, माइनस नहीं आएगा, बिल्कुल ही आसान है, कुछ भी नहीं है। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, जैसे आज टेस्ट में भी था ऐसा क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी द फॉलोइंग ग्राफ शोज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिटर्मिन फोर्स एक्टिंग ऑन इट, डिटरमिन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो ग्राफ ये दिया हुआ, ये मोमेंटम, ये टाइम, ध्यान से देखना, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। अब मान लो ये 20 सेकेंड्स है, ठीक है, ये 0 सेकेंड्स है,
0 सेकंड मतलब शुरू में तो बॉडी में ये मोमेंटम था 100 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। देखना बेटा ये मास है और ये वेलोसिटी है एम इंटू वी, बस एम इंटू वी। अब अगर ये ग्राम में दिया हुआ है या ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसको एसआई में कन्वर्ट कर लेना। तो इसका मोमेंटम बॉडी का पहले था ज्यादा, 0 टाइम पे तो ज्यादा मोमेंटम था। फोर्स निकालनी आप। अच्छा ये बताओ 0 टाइम पे मोमेंटम बॉडी का पॉजिटिव था या नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ एट 0 टाइम द मोमेंटम इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर ये बॉडी है, देखो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हैज डायरेक्शन, मास डज नॉट हैव डायरेक्शन, वेलोसिटी हैज डायरेक्शन। तो 0 टाइम के ऊपर अगर ये बॉडी इधर थी तो इसमें मोमेंटम कितना था 100। 0 टाइम के ऊपर वेलोसिटी इतनी थी तो मोमेंटम कितना था 100। और 20 सेकेंड्स के बाद मोमेंटम कितना हो गया 0। 20 सेकेंड्स के बाद मोमेंटम 0 हो गया। ये बढ़ कैसे, कम कैसे हो गया मोमेंटम? अगर आप बिस्किट्स के पैकेट्स खा रहे हो तो आप बना रहे हो बिस्किट्स, तो बिस्किट्स के पैकेट बढ़ते जाएंगे और अगर आप खा रहे हो तो वो कम होते जाएंगे। सपोज यू आर मेकिंग बिस्किट्स एट द रेट ऑफ 3 पैकेट्स पर डे, आप बना रहे हो बिस्किट्स के पैकेट एट द रेट ऑफ 3 पैकेट्स पर डे। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ बिस्किट पैकेट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे भी मोमेंटम कम हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। बस फॉर्मूले बनाते क्यों है, ताकि बार बार आपको ये नहीं सोचना पड़े, सिर्फ फॉर्मूला लगा दिया जाए। तो यहां से यहां तक चेंज इन टाइम कितना है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और चेंज इन मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये तो फोर्स आ जाएगी, कितनी आएगी देखो, ऊपर आया -100, नीचे आया 20 सेकेंड्स, तो ये बन गया -5 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका मतलब बना -5 न्यूटन्स। मतलब यह है कि हर सेकंड में मोमेंटम 5 से कम हो रहा है। इन एवरी 1 सेकंड द मोमेंटम बिकम्स लेसर देन लेसर बाय 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स पहले सेकंड में 5 यूनिट से कम हुआ, देखना यहां से यहां 1 सेकंड ना हुआ, हो गया पूरा, तो मोमेंटम नीचे उतर गया। कितने अमाउंट से नीचे उतरा मोमेंटम, 5 से, तो कितना हो जाएगा 95। एक और सेकंड जाएगा तो मोमेंटम और नीचे आ जाएगा, कितना नीचे आएगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 90। तो मोमेंटम इज क्लाइंबिंग डाउन, टाइम इज क्लाइंबिंग वॉकिंग टुवर्ड्स राइट, मोमेंटम नीचे आता जा रहा है, समझ में आपको? तो लेकिन -5, फोर्स के -5 होने का मतलब क्या है, फोर्स के -5 होने का मतलब यह है कि मोमेंटम, ये मोमेंटम वेक्टर है, फोर्स मोमेंटम से ऑपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी। बॉडी तो इस तरफ चल रही थी और फोर्स ऐसे धक्का दे रही है उसको, पुश कर रही है कि आगे नहीं जाना। फोर्स इज पुशिंग दी बॉडी इन दिस डायरेक्शन बिकॉज फोर्स इज, देखो माइनस क्या बताता है फोर्स के बारे में, माइनस साइन टेल्स अस अबाउट दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द माइनस साइन इन फोर्स, फोर्स की वैल्यू में माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि वो हमें फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। बॉडी इस तरफ जा रही है और ये फोर्स बॉडी को कह रही है कि आगे नहीं जाना, तो स्लो डाउन करते 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 उसको रोक रही है फोर्स।